राम कबीर कबीर गोहर गोहर काका। काका। गुड इवनिंग एंड राम कबीर। संगीत संध्या की ये 47वीं संगीत की सुरमई शाम में आप सभी दर्शक मित्रों को मित्रों का प्यार भरा स्वागत के साथ नमस्कार। अगर ट्रिपल डिजिट टेम्परेचर से आप सब तंग आ गए हो तो आप सही जगह आके बैठे हो, क्योंकि हमारे सभी कलाकारों का ये वादा रहा आपसे कि आप अगले 2 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर देखिए कि कब कैसे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, वो आपको पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि हर वक्त की तरह आज की शाम में भी इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं कि आप अगर टीवी से थोड़ी देर के लिए भी हटेंगे तो एक अच्छा नगमा निकल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सुमधुर नगमों का मजा लीजिए। दोस्तों, ले चलते हैं 1979 में आई हुई सरगम फिल्म के एक आइकॉनिक सॉन्ग की ओर, जिसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गाया था एवरग्रीन मेलोडी क्वीन लता दीदी और रफी साहब ने। और आज की शाम को और रंगीन बनाने आ रही है डेनविल इलिनॉय से सुरेखा बेन नटवर भाई भक्त। गाने के बोल है, डफली वाले डफली बजा, लेट्स एंजॉय दिस मेलोडियस सॉन्ग। सुरेखा बेन की आवाज में, गो अहेड सुरेखा बेन। कबीर साहब ने
Wow, what a beautiful way to start the evening, and what a song selection, Surekha Ben. ये वही फिल्म का गाना है जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को इस गाने की धुन बनाने के लिए 1979 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और जया प्रदा जी की ये पहली हिंदी फिल्म भी यही थी, पहला हिंदी गाना भी यही था जिस पर उन्होंने ऋषि कपूर के साथ डांस किया था, और उन दोनों की एक साथ में बड़ी ही यादगार अदाकारी उन दोनों ने एक ये फिल्म में की थी। और आपने भी ये मस्ती भरा गाना छेड़कर हम सब की और भी रंगीन शाम आज की शाम कर दी, सुरेखा बेन। थैंक यू फॉर सिंगिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टुनाइट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पास। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड ने हमें बहुत सारे गाने दिए हैं, उसमें से कुछ यादगार बन जाते हैं तो कुछ अमर हो जाते हैं। गुजरते हुए इस जीवन के सफर में हमें पुराने साथी की याद आती है, कुछ साथ है तो कुछ बिछड़ गए। दोस्तों, इन यादों को चिरागों में बसाए रखना, लंबा है ये सफर जिंदगी का, एक हम सफर हमेशा बनाए रखना, लंबा है ये सफर, इसमें कहीं रात तो होगी, साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ख्यालात की दौलत, अगर कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। दोस्तों, ख्वाबों में ही सही मुलाकात तो होगी। सुनते हैं 1982 में आई हुई निकाह फिल्म का हसन कमल की कलम से लिखा हुआ और रवि के संगीत से सजाया हुआ रूह छू जाने वाला एक बेमिसाल गाना, जिसे आज की शाम लेकर आ रहे हैं कैंसास रॉक स्टार लिबरल कैंसास से छितुबाई भक्तिबाई भक्त। गाने के बोल है, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, लेट्स एंजॉय दिस ओल्ड मेलोडी, चितुभाई की आवाज में। गो अहेड चितुभाई। राम कवि साहब, मुलाकात होगी, बीते
क्या रूह छू जाने वाले गाने आपने छेड़ दिए आज की शाम चितू भाई। क्या लिरिक्स लिखी है हसन कमल जी ने, फूलों की तरह दिल में बसाए रखना, यादों के चिरागों को जलाए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों में ही चाहे मुलाकात तो होगी। लगता है ये गाने के एक एक शब्द हम सभी के जिंदगी की सफर को कहीं ना कहीं छू लेता है। वेरी नाइस सॉन्ग सिलेक्शन चितू भाई, और आपने पूरी इमोशन के साथ गाकर इस गाने को आप सही अंजाम तक ले गए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह जिंदगी के सफर में संगीत के चिरागों को आप जलाते रहना,
क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। तो इसी तरह आते रहना और संगीत की महक हमेशा बिखेरते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेरी नाइस सॉन्ग सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, छीतू भाई के इस फिलोसॉफिकल गाना सुनने के बाद हम अभी आगे बढ़ते हैं आज की शाम के हमारे तीसरे नगमे की ओर। दोस्तों, किसी को प्यार की सच्चाई मार गई तो किसी को दर्द की गहराई ने मार डाला, और अगर जो कोई बच गया तो उन्हें तन्हाई मार डालेगी। ले चलते हैं ऐसी ही एक जिंदगी की कसमकस का एक मस्ती भरे गाने की ओर। एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोबेबली द अनफॉरगेटेबल सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड, जो है तो 55 साल से भी ज्यादा पुराना, लेकिन इसमें दी गई एस डी बर्मन दादा की संगीत की धुन आज भी आपके दिलों को छू जाएगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सॉरी 1965 में आई हुई एक बड़ी ही शानदार फिल्म गाइड की, जिसमें इस गाने में की गई देवानंद और वहीदा रहमान की अदाकारी को लोग आज तक भूले नहीं है। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र जी ने, संगीत दिया था एस टी बर्मन जी ने, और गाया था स्वर कोकिला लता जी ने। और आज की शाम ये मस्ती भरा गाना लेकर आ रही है फोरसाइथ इलिनॉय से हमारी जानी मानी कलाकार कुमुद बेन हरीश भाई भक्त। गाने के बोल है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। लेट्स एंजॉय दिस मास्टरपीस कुमुद बेन की आवाज में। गो अहेड कुमुद। राम
Wow, Kumud, what a beautiful selection of song. 55 साल से भी पुरानी धुन, लेकिन आज भी हमारे दिलों को छू जाती है. This is the power and magic of old songs. Perfect combination of words and feelings. Fresh forever. और कुमुद, इस गाने में काफी जगह हाई नोट्स भी है जो तुमने बड़ी ही बेखूबी से आज की शाम निभाई. वेरी नाइस वॉइस क्वालिटी एंड वेरी वेल एक्सिक्यूटेड. सचमुच में ये गाना सुनाकर आपने प्यार का माहौल सा छा दिया आज की शाम. थैंक यू, थैंक यू. दोस्तों, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं. ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है. एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है. दोस्तों, ले चलते हैं 1973 में आई हुई फिल्म धुंध के एक फिलोसॉफिकल नगमे की ओर, जो हम सबको जिंदगी की सच्चाई क्या है वो सिखा देगा. साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ ये गाना गाना न रहकर एक जिंदगी की हकीकत हम सब के लिए बन चुका है. इस गाने में संगीत दिया था रवि ने और गाया था लेजेंडरी सिंगर महेंद्र कपूर ने. और ये खूबसूरत जीवन संदेश देता हुआ गाना लेकर आ रहे हैं हम सबके जाने माने कलाकार उदय भाई डाया भाई भक्त फ्रॉम मिनियापोलिस मिनिसोटा से. गाने के बोल है, संसार की हर सै का, लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. गो अहेड. राम कबीर साहब ने संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है. ये कोई राही समझा है न जाना.
हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पल किस मोड़ पर क्या बीते, इस राह में राही हर मोड़ बहाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 soul touching songs lyric Uday Bhai. Ek pal ki palak par hai thehri hui ye duniya, ek pal ke japagne tak har khel suhana hai. What a harsh reality of our life. Kitni sachai chupi hai is gaane ke ek ek shabd mein. Gaane ki gehrai mein jaank ke dekhenge to जिंदगी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसीलिए उदय बाबू जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें ही आती है वक्त नहीं। वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग गाना आपने सिलेक्ट किया उदय भाई आज की शाम, और हम सबको जिंदगी की सच्चाई सिखा दी। अने जो गुजराती में हूँ तमने उदय भाई कहूँ तो जीवन नी सुगंध एनी पासे छे जेमने खिलवा अने खरवानी क्षणों वच्चे मेहकी जवानी कड़ा आवड़े छे, तो जा तमारू लाइफ सार्थक छे, जीवन सार्थक छे। वेरी नाइस एंड मीनिंगफुल सॉन्ग। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अ वंडरफुल सॉन्ग टुनाइट उदय भाई, थैंक यू। दोस्तों बॉलीवुड ने वैसे हमें तो बहुत सारे सिंगर्स दिए हैं, लेकिन जब गजल की बात आती है तो जगजीत सिंह के नाम के बिना कुछ अधूरापन सा लगता है। तो चलो ले चलते हैं 1982 में आई हुई एक खूबसूरत फिल्म के सदाबहार नगमे की ओर, जिसे लिखा था जावेद अख्तर जी ने, संगीत से सजाया था कुलदीप सिंह ने, और गाया था बॉलीवुड की सुपर डुपर जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने। और आज की शाम ये ब्यूटीफुल नगमा लेकर आ रहे हैं विचिता कैंसास के रॉक स्टार्स एंड सुपर डुपर जोड़ी मुक्तानंद विथ मुक्ता दीदी। गाने के बोल है ये तेरा घर ये मेरा घर। Let's listen to this romantic duet song. Go ahead, both of you. Ram Kabir. Ram Kabir. Ye tera ghar, ye mera ghar, kisi ko dekhna hoga तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर।
ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की, दिलों के फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। आरज़ू पे कैद है न हौसले पे जंग है, हमारे हौसलों का घर, हमारे हिम्मतों का घर, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, 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 ये घर बहुत हसीन है। थैंक यू राम कबीर। क्या बात है दशरथ बाबू, आज तो आप दोनों एक अलग से अंदाज में दिखा दिए। व्हाट अ सॉन्ग सिलेक्शन,
लेकिन ये जावेद अख्तर जी की ये जो लिरिक्स हमारे छोटे से दिमाग में समझ नहीं आए कि ये तेरा घर ये मेरा घर, इसमें मुझे कुछ दूरियां सी महसूस होती है। अगर ये तेरा घर मेरा घर की वजह अपना घर बना दो तो घर घर न रहकर वो स्वर्ग बन जाएगा, और आप दोनों के लिए चार लाइनें तो बनती है ना। मेरी दुनिया की हर खुशी तुमसे है, मेरी दुनिया की हर खुशी तुमसे है, मेरी इन आंखों की रोशनी तुमसे है, अब इससे ज्यादा तुमसे और क्या कहूं, मेरी हर सांस और मेरी जिंदगी तुमसे है। और आप दोनों के चेहरे पर यूं ही मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, बस यही दुआ हम रब से हर रोज करते हैं। थैंक यू बोथ ऑफ यू सो मच फॉर सिंगिंग टुनाइट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए दोस्तों, ये मोहब्बत और प्यार भरे गाने सुनते सुनते हम यहाँ तक तो आ गए। आशा है इन गानों को सुनने के बाद आपके लिविंग रूम का टेम्परेचर कुछ तो कम हुआ होगा। अगर न हुआ हो तो थोड़ी देर और रुक जाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत बहुत से कलाकार हैं जिसको सुनते ही आप रिलैक्स तो हो ही जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन ये रंगीन शाम को और रंगीन बनाने के लिए मैं एक ऐसे इंसान को अभी बुलाना चाहूंगा जिसके पास दिन में 24 घंटे नहीं लेकिन शायद 40 घंटे हैं। पता नहीं कहाँ से वो टाइम खरीद के लाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम जीतू भाई टू टेक अस ऑल फर्दर फॉर मोर एक्साइटिंग एंड मेलोडियस सॉन्ग टुनाइट। थैंक यू एंड राम कबीर। सबने राम कबीर। शुक्रिया भास्कर भाई, आपने फिर से एक बार मुझे शो की जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं फिर से अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए भाई और बहनों आगे बढ़ते हैं शो 47 में। सो 47 इज़ अबाउट टू गेट मोर एंटरटेनिंग फॉर यू ऑल, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, और हमारे सभी कलाकारों को आप अपना प्यार शो के आखिर तक देते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेश करते हैं आप सभी के लिए हमारा आज की शाम का छठा सॉन्ग, जो लेके आ रही है ह्यूस्टन टेक्सास से सेजलबेन भिखुभाई भक्त दामण। ऑफ कोर्स वी ऑल नो हर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सेजल भाभी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। भाई मेरे साथ आपके सभी जो फैंस हैं वह आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और इसके लिए हमने आज आपको यहाँ संगीत सदा में स्पेशल बुलाया है कि आपके फैंस की डिमांड थी कि भाई हमें सेजल जी से ही गाना सुनना है। तो भाई और बहनों आज हम पेश करने जा रहे हैं आपकी चहेती सेजलबेन भिखुभाई भक्त फ्रॉम ह्यूस्टन एज वी ऑल नो, जो एक आज बड़ा ही प्यारा नगमा पेश करने जा रही है, जो उन्होंने लिया है फिल्म आन मिलो सजना से। गीत के बोल है तेरे कारण मेरे साजन, जो गाया था लता जी ने, गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने, और म्यूजिक डायरेक्टर थे हमारे लक्ष्मीकांत प्यारालाल जी ने। तो आइए सेजल जी और पेश कीजिए आपका प्यारा नगमा। राम कबीर एंड जय स्वामीनारायण एवरीवन। तेरे कारण मेरे साजन,
थैंक यू वेरी मच. क्या गाना गाया आपने आज. मेरे पास कोई शब्द नहीं है. वेल योर परफॉर्मेंस वॉज कम्प्लीटली यू नो अप टू द मार्क आई विल से एंड आई एम इम्प्रेस्ड. देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन सिंग सच अ सॉन्ग लाइक दिस ऑफ लता जी ऑफकोर्स विद सच अ नेचुरल टैलेंट दैट यू हैव एंड यू आर वन ऑफ देम ऑफकोर्स. कीप सिंगिंग ब्यूटिफुल बॉलीवुड सॉन्ग्स and keep entertaining all of us. Thank you very much. And once again, welcome back. We would like to see you one more time, of course, on Sangeet Sandhya. So I hope you'll come and sing for our fans once again. Thank you. Thank you. I will. Thank you. All right. Thank you very much. All right, bhaiyo, abhi Houston mein hum baithe hai. Toh kyun nahi Houston se hi ek aur mega star ko bulaya jaye. Mere khayal se Houston mein aise bahut se sitare hai. Magar main jo abhi bulane ja raha hu, wo mega star hai. आप सभी जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ शायद. तो अगर नहीं हो तो वेल थोड़ा ठहर जाइए, मुझे सॉन्ग के बारे में थोड़ा बोलने दीजिए, फिर आपको शायद पता लग जाएगा. तो भाइयों, यश चोपड़ा जी ने 1973 में एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था दाग, जो लिखी थी गुलशन नंदा जी ने और उसमें डायलॉग बड़े उसके फेमस हुए थे. वो लिखे थे अख्तरुल ईमान जी ने. और यह फिल्म एक मेयर की कहानी पर आधारित थी, एक लव स्टोरी थी. इसमें अभिनय किया था राजेश खन्ना जी, शर्मिला टैगोर जी, राखी जी. और यह फिल्म क्या सुपर हिट हुई थी. और उसके गाने, आप कोई भी उसका गाना चुन लो, उसके सभी गाने सुपर हिट थे. और आज भी ऐसा इस फिल्म का कोई भी गाना बजता हो तो हम सभी भी उनके साथ गुनगुनाने लगते हैं, वही ठहर जाते हैं. ये इस गाने के लिरिक्स के पावर्स है और हम उसी दौर में पहुंच जाते हैं. तो आज उसी दौर की याद दिलाने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे मेगा स्टार भास्कर भाई ह्यूस्टन टेक्सस से, जो आज पेश करेंगे एक बड़ा ही प्यारा नगमा. गीत के बोल है, मेरे दिल में आज क्या है. मगर मेरे दिल में नहीं, मैं आज आपके दिल की बात सुनना चाहूँगा. तो ये आपने लिया है फिल्म दाग, अ पोएम ऑफ लव, जो रिलीज हुई थी 1973 में. ऑफकोर्स वी नो किशोर कुमार जी इज़ अ लेजेंडरी सिंगर जिसने फिल्म में गाना गाया था. लिरिसिस्ट थे साहिर लुधियानवी जी, म्यूजिक कंपोजर, ये नाम ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मीकांत सांताराम कुडेलकर एंड प्यारे लाल रामप्रसाद शर्मा जी. लक्ष्मीकांत पिराल की जो सुपरहिट जोड़ी थी, ये गाना उन्होंने कंपोज किया था. मगर मैं ऐसे तो आपको गाने नहीं दूंगा. आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे जिल मिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे. क्योंकि आज गा रहे हमारे भास्कर भाई मेरे दिल में आज क्या है. तो आइए और पेश कीजिए आपका नगमा. राम कबीर, video problem, but I'm going to go ahead and sing the song. Thank you, Ram Kabir. You want to adjust the background kaka a little bit of your laptop? Yeah, there you go. Go ahead. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं. तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं. Yeah.
पूजा तोरे पूजा मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूँ मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूँ मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ वाह क्या गाना पेश किया आपने क्या बोलूं मैं आपके बारे में मैंने अभी आपके गाने से पहले ही बोला था आइए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह हर तरफ चांद सितारे जिल मिलाने लगे और सॉन्ग सिलेक्शन वॉज टू गुड दैट मैचेस योर पर्सनालिटी सो वेल ऑफ कोर्स आई फील लाइक आई वॉज लिसनिंग टू ओरिजिनल सिंगर किशोर जी एज वेल मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ भाई हमें तो आपके दिल के सभी कुछ बातें सुननी है क्योंकि हमने भी सुना है आप भी बड़े रोमांटिक है तो आज नहीं आज थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास मगर फिर कभी टाइम बचा तो आपकी रोमांटिक बात हम संगीत सदा में ज़रूर सुनना चाहेंगे एंड व्हेन यू सिंग विथ योर कॉन्फिडेंस यू आर इन अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन यू सिंग दैट्स व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट यू We all like what you do for all of us. Thank you for everything and our sincere appreciation for you. And you always groom a lot of new singers. Help us to be a top-notch MC, of course, just like you. And thank you for always encouraging me as well. You inspire me a lot. Everything that I am today in a virtual show as MC, as a host, is because of you. We love you so much. Thank you both, Masi, of course, and we love you. Thank you very much, Dilse. थैंक यू ऑलराइट भाइयों भास्कर भाई ने बड़ा ही अच्छा गाना सुनाया
शायद मैं उनको कह सकता वंस मोर, मगर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी ऐसे ऐसे कलाकार बाकी है के साथ वंस मोर करते करते पूरी रात निकल जाएगी तो भी ये शो ख़त्म नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आठवें नगमे पे। ज़रा ठहरिए मगर, कौन आया है कि निगाहों में चमक जाग उठी है, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी है, किसके आने की खबर लेके आई है ये शाम की हवाएं, और रूह खिलने लगी है सांसों में महक जाग उठी है। अरे दोस्तों, कौन आया कि निगाहों में आप सभी की चमक जाग उठी है, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी है, किसके आने की खबर लेके आ रही है शाम की हवाएं, आज की शाम खिलने से लगी है सांसों में महक सी जाग उठी है। मेरे ख्याल से ये तो हमारे कैंसर्स रॉकस्टार की पहचान है भाइयों। जब भी कैंसर्स रॉकस्टार किसी भी महफिल में जाते हैं तो हमेशा चमकते हैं, तो आज भी वह चमकेंगे, आपके लिए गाएंगे, आपको वाह वाह करने पे मजबूर कर देंगे। तो आ रहे हैं हमारे कैंसर्स रॉकस्टार परिवार से द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट, लेट मी रिफ्रेज इट, द मोस्ट पावरफुल नहीं, द पावर हाउस परफॉर्मर ऑफ द कैंसर्स रॉकस्टार शो एंड संगीत संध्या शो एज वेल। मैं बोलना चाहूँगा हमारे निकुंज भाई को, और वो ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। चाहे जेतल जी जले, चाहे हमारी साली साहिबा जले, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका बिगेस्ट फैन तो मैं ही हूँ। और आज आप सुनेंगे बहुत ही अच्छा गाना, गाना जो आपने चुना है वो उसके बोल है प्यार मांगा था तुम्ही से, जो ओरिजिनल फिल्म थी उसमें ये किशोर जी ने गाया था, और आज आप ये नया रिफ्रेज वर्जन है वो सुनाएंगे। तो सिंगर है श्रीमा चंद्रा जी, एल्बम है बॉलीवुड अनविंड ऑफ कोर्स, रोमांटिक क्लासिक इन ए रिलैक्सिंग अर्बन अवतार, अ वंडरफुल रोमांटिक वर्जन ऑफ द लव क्लासिक एज वी ऑल नो। म्यूजिक वॉज कंपोज बाय अजय सिन्हा जी, प्रोड्यूसर वॉज ऑफ कोर्स अजय सिन्हा जी, वीडियो डायरेक्टर वॉज राज पेंडुलकर जी, और असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर एंड वीडियो एडिटर वॉज आशुतोष मिश्रा जी। तो आज पेश करेंगे हमारे रॉक स्टार निकुंज भाई। निकुंज भाई, गो अहेड। राम कबीर, थैंक यू टू द भाई। प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो, पास बैठो जराज तो इकरार करो, प्यार मांगा है प्यार करो,
पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, इतना हसीन पाया, साथ हंसी होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हें से, ना इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्हें से, ना इनकार करो, पास बैठो आज तो इकरार करो, राम कबीर। वाओ, क्या गाना चुना है आपने, प्यार मांगा है तुम्हीं से ना इनकार करो। भाई मैं तो बोलूंगा जो आपको प्यार के लिए इनकार करेगी उसे क्या मालूम कि प्यार क्या होता है, तो आपको प्यार के लिए तो कोई इनकार कर नहीं सकता। निकुंज भाई मैं क्या बोलूं आपके बारे में, इतना अच्छा गाना सुना है आपने कि मैं कुछ भी बोलूंगा आपकी गायकी के सामने शायद कम पड़ जाएगा। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं और हमें सच में दिल से प्राउड फील होता है कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इतना अच्छा गा रहे हैं जैसे कि हम सब कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, एक्सलेंट सिंगिंग। और मैं रॉकस्टार की भाषा में बोलूँ तो आज आपने मौसम बदल दिया। लिरिक्स आर जस्ट अ वर्ड्स अंटिल दे गेट द वॉइस ऑफ अ सिंगर लाइक यू ऑफ कोर्स हु कैन टर्न देम इनटू अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। यू क्राफ्ट every song into a beautiful masterpiece whenever you sing. Thank you very much, dil se, and proud to work with in Rockstar Show. Thank you very much, Nikunj bhai. Thank you. All right, bhaiyo, Nikunj bhai ne bada acha gana sunaya aur maine abhi aapko bola Rockstar aisa hi ek aur show chal raha hai hamare south face mein bhi aur hamare sitare bhi kuch kam nahi hai। तो मैं आज एक ऐसे सितारा को बोलने जा रहा हूँ साउथ वेस्ट रीजन से जो जब भी स्क्रीन पे आते हैं देन शी लाइट अप द स्क्रीन ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो। सी इज़ द मोस्ट मस्तीफुल बबलीस्ट पर्सनालिटी ऑफ द साउथ वेस्ट सितारा की महफिल शो एज वी ऑल नो। एंड वेन एवर सी सिंग्स यू ऑल आर काइंड ऑफ डांसिंग इन योर ओन रोमांटिक मूड। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारी प्यारी अर्पना किरण बख्तर जी को चिल्लस टेक्सस से जो आज एक बड़ा ही प्यारा नगमा लेके आ रही है फिल्म गुप्त से। गीत के बोल है मेरे ख्वाबों में तुम, सिंगर अलका याग्निक एंड किशोर कुमार जी से ड्यूएट सॉन्ग, बट शी इज गोइंग टू सिंग टुडे बाय हरसेल्फ। लिरिसिस्ट ऑफ कोर्स आनंद बख्शी जी, म्यूजिक कंपोजर विजय कल्याण जी शाह, विजू शाह एज वी ऑल नो। तो आइए अर्पणा जी और सुनाइए अपना प्यारा सा नगमा अपनी खुद की आवाज़ में। Need to unmute. Can you unmute? Ram Kabir. मेरे दिल में की
दिल की राहों में तू। Thank you, of course, for singing beautiful song, Ram Kabir, as well. क्या बोलूँ, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी है जिंदगी खुशी के लिए, जियो छोटी सी है जिंदगी, खुशी से जियो, गम में क्या रखा है, मज़े से सर उठा कर जियो, उदासी में क्या रखा है, बस मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। भाई आपकी आवाज़ तो जैसे हमें वो क्या बोलते हैं, अपने कपड़े या बदन पर जो हम इत्र लगाते हैं ना, परफ्यूम, ऐसी आपकी आवाज़ है। आपकी आवाज़ सुनते ही हम सब महक जाते हैं, और ये पावर है आपकी आवाज़ का। योर वॉइस इज़ लाइक अ परफ्यूम, इट रिफ्रेशेज द सोल ऑफ द लिसनर। ऑफ कोर्स यू हैव वेरी स्वीट वॉइस, प्राउड टू वर्क विथ यू ऑफ कोर्स ऑन आवर साउथ वेस्ट तरह की महफिल शो एज ए होस्ट एंड रेबिन टीम मेम्बर, एंड मोर प्राउडर एज यू आर द साउथ वेस्ट सितारा। ऑफ कोर्स बस ऐसी अपनी मीठी आवाज़ हम सभी को सुनाते रहिए, और हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे हमेशा खुश रहे। थैंक यू फॉर सिंगिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राम कबीर अगेन। ऑलराइट भाइयों, अभी चलते हम 10वें नगमे की ओर। हम अभी साउथ वेस्ट में ही है, तो हम साउथ वेस्ट में ही रहेंगे। चिल्लस टेक्सस से आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे अभी अलामागुडो न्यू मैक्सिको। शायद आप लोगों को मालूम हो गया कि मैं अभी किसको बुलाने जा रहा हूँ। आई वुड लाइक टू इन्वाइट तन्वी कुणाल देसाई, ऑफ कोर्स दामन अलामागुडो न्यू मैक्सिको। वो आज पेश करेगी
मूवी कालीचरण जो 1976 में रिलीज हुई थी उसका एक बड़ा ही प्यारा नगमा। सिंगर ऑफ कोर्स लता जी एज वी ऑल नो, लिरिसिस्ट इंद्रजीत सिंह, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी, और इस पिक्चर में आप सभी को मालूम होगा कि इसके डायलॉग और गाने बड़े अच्छे फेमस हुए थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा जी, रीना रॉय जी थी और ये फिल्म भी बड़ी हिट हुई थी। और गाने के बोल है जा रे जा ओ हर जाई। तो आइए तन्वी जी और पेश कीजिए अपना प्यारा सा नगमा। राम कबीर। थैंक यू राम कबीर।
वाह, क्या गाना गया! जा रे जाओ हर जाए भाई, आपका प्यार का भी हर जाए तो हो नहीं सकता, आप खूबसूरत इतनी है। उनका हाल भी कुछ आप जैसा ही होगा, आपका हाल दिल भी उनको महसूस हो रहा होगा। बेकरारी की आग में जो आप जले जा रहे हैं, आपसे ज़्यादा उनको भी जलन का एहसास हो रहा होगा, क्योंकि आपने हर जाए वाला जो गाना आज छेड़ दिया। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है बिस्ल की राहत के सिवा। देखा है ज़िंदगी को कुछ इस तरह करीब करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। वो दिल ही किया जो आपके मिलन की दुआ न करे और आपके प्यार को कबूल न करे। एक्सलेंट सिंगिंग, द सॉन्ग यू हैव चोजन, द सॉन्ग यू हैव चूज टू प्रेजेंट टुडे इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर जीनियर ऑफ कोर्स। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग ऑफ लताजी, एज वी ऑल नो इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टू सिंग लताजी सॉन्ग। मोस्ट बिगिनर्स प्रीफर टू सिंग ईजी सॉन्ग एंड स्टे अवे फ्रॉम अ सॉन्ग लाइक दिस, बट यू चोज एन एक्सलेंट सॉन्ग। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स इन सिंगिंग कैरियर, आई विल से दैट टुडे, एंड ऑफ कोर्स यू आर प्राउड ऑफ साउंड सितारा एज वेल। एंड वी एट संगीत संध्या शो एज अ शो होस्ट ट्रूली एडमायर यू एंड योर सिंगिंग। तो भाई आप हमेशा ऐसे ही लता जी के प्यारे नग में गाते रहे और अपनी सिंगिंग में निखार लाती रहे। एक न एक दिन आप वो ऊंचाइयां लता जी से भी छुएगी संगीत संध्या में, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट भाइयों, जाने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, तो आप सभी सुनेंगे। कपूरा गाम इज प्रेजेंटिंग नाद ब्रह्मणा भजन ऑन 28 जुलाई 8 PM। और इस बार कपूरा गाम हमारे जो समाज के दो बावा जी है, इमने ट्रिब्यूट आपवा माटे आ भजन आयोजन कर्यु छे। तो खास जो जो कपूरा गाम विलेज ना फेसबुक पेज ऊपर, आजनी मारी भूमिका एमसी तरीके नहीं लगीनी ज हती। हवे हूँ पाछो बोलावीश आपणा शोना होस्ट आन बान और शान, ऑफकोर्स वी ऑल नो द मेगा स्टार फ्रॉम ह्यूस्टन, भास्कर भाई वक्ता भास्कर भाई। गो अहेड एंड टेक द शो फर्दर। थैंक यू वेरी मच। राम कबीर एवरीवन। राम कबीर जीतू भाई, थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज फॉर डूइंग अ मल्टीपल टास्क फॉर अवर संगीत संध्या। और जैसे मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि हम सब के पास दिन के 24 घंटे है और जीतू भाई के पास समहाउ 40, तो जरा हमें भी बताइए कि आप कहाँ से खरीदते हैं एक्स्ट्रा आवर्स। रियली रियली इट लीव्स अस ऑल वंडरिंग हाउ डू यू मैनेज टू डू ऑल दिस सोशल सर्विसेज अलोंग विथ होटल बिजनेस। वी ऑल रिस्पेक्ट एंड appreciate all your social services. अब इतना कहने के बाद आपको हम आज की शाम ऐसे ही छोड़ने वाले तो नहीं है। आपकी मुश्किलें और बढ़ाने की somehow आज हमारे दिल को कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई आपकी मुश्किलें थोड़ी हम और बढ़ा दे, ऐसी हमारे दिल में ख्वाहिश आज की शाम हो रही है। तो क्यों ना एक और गाना हो जाए आपकी आवाज में आज की शाम। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, अगर आप ये गाना आज हम सब के लिए गा दो तो संगीत संध्या में 4 चांद लग जाएगा। तो चलिए इसी नाम पे हो जाए, फिल्म अंजाम से अभिजीत का गाया गया ये आइकॉनिक गाना आपकी आवाज में। Let's rock it tonight, Jitu bhai. Thank you very much, Paskar ka. Sabne Ram Kabir. Aaj hum aapki mushkilein badhane ki mood mein hain. Koi baat nahi, meri mushkil shayad aap nahi dekh rahe hain, mere ko bhi bandage bhi lag gayi hai, magar main puri koshish karunga aap sabhi ko gana sunane ki. Badi mushkil hai, khoya mera dil hai. बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। Oh,
एक्सेलेंट एक्सेलेंट, इसे कहते हैं चैंपियन ऑफ स्पिरिट। लेकिन
अभी भी हमारे दिमाग में एक बात समझ में नहीं आई कि आपको चोट लगी दिल पे और पट्टी लगी सर पे, ये क्या बात हुई? ये दिल की चोट दिमाग पे आ गई है अभी। क्या बात करते हो, चोट लगती है दिल पे और पट्टी लगती है सर पे, और क्या बात, आपने तो टेम्परेचर घटाने की बजाय टेम्परेचर बढ़ा ही दिया ये गाने गाकर। और अगर आपकी मुश्किलें तो बढ़ेगी ही, अगर अपना दिल आप ऐसे ही खोते रहोगे तो आप आपकी मुश्किलें तो हर रोज बढ़ती ही जाएगी। तो अगर बचना चाहते हो तो चल चलो इन गलियों से, और चल चलो इस रंग रलियों से, कहीं लूट ना ले ये प्यासे भौरे। और अगर हमारी मानो तो अपने दिल को संभालो और जिंदगी की मौज लुटाते रहो। सचमुच में ये मस्ती भरा गाना गा के आपने इस शो की रंगीनियत और भी बढ़ा दी। एप्रिशिएट एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर आवर शो जीतू भाई। थैंक यू वेरी मच, कैन थैंक यू इनफ। थैंक यू राम कबीर। चलिए दोस्तों, ये जीतू भाई का दिल तो अभी खो गया, तो हम निकल चलते हैं हमारे अगले नगमे की ओर। दोस्तों, हम सब की जिंदगी प्यार और मोहब्बत के रिश्तों से जुड़ी हुई है। रिश्तों की इस महक से तो हम सब की जिंदगी महकती है, लेकिन लेकिन चाहत वो नहीं जो जान देती है, चाहत वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। दोस्तों, चाहत तो वो होती है जो पानी में गिरे आंसुओं को भी पहचान जाती है। दोस्तों, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, कितनी हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। ले चलते हैं फिल्म द एक्सपोज से लिया गया एक बहुत ही रोमांटिक नगमे की ओर। समीर अंजान की कलम से लिखी गई लिरिक्स और हिमेश रेशमिया की संगीत की धुन आप सभी के दिलों को छू जाएगी। और ये सुपर डुपर गाना लेकर आ रहे हैं मिनियापोलिस मिनिसोटा से सुपर डुपर सिंगर पीयूष भाई भिखा भाई भक्त। गाने के बोल है, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। लेट्स एंजॉय दिस रोमांटिक सॉन्ग पीयूष भाई की सुरीली आवाज में। गो अहेड पीयूष भाई। राम कबीर सोने। तुम घर हम हो जाते, तेरे दिन
अधूरा दुनिया अधूरी ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसान हो जाती मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, इतने हसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। माने दिल की बातें दिल ही जाने, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा, हर मंजिल हासिल हो जाती मैं और तुम घर हम हो जाते, आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम जाते। थैंक यू राम कबीर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग पीयूष भाई, एंड व्हाट अ सोलफुल एंड हार्ट टचिंग लिरिक्स। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, हर मुश्किलें आसान हो जाती, हर मंजिल हासिल हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते। काश ये छोटी सी लाइन को अगर ये दुनिया समझ पाती तो दुनिया भर के सारे डिवोर्स लॉयर शायद बेरोजगार हो जाते। वेरी रोमांटिक येट वेरी मीनिंगफुल एंड पावरफुल मैसेज के साथ आपने तो पीयूष भैया हम सबको जीने की राह दिखा दी, और आपकी गायकी के बारे में तो हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक्सलेंट एक्सलेंट सिंगिंग। चलो दोस्तों, जब पीयूष भैया ने इतना प्यार भरा गाना गा के प्यार और मोहब्बत का माहौल बना ही दिया है तो दिल तो करता है कि थोड़ी देर यही मिनीसोटा की वादियों में हम भी रुक जाएं और एक और प्यार भरा गाना सुनने की चाहत पूरी कर ले। तो ले चलते हैं 1991 में आई हुई फिल्म हिना के एक सदाबहार नगमे की ओर, जिसको रविंद्र जैन ने लिखा भी था और संगीत भी कंपोज किया था और गाया था स्वरों की देवी लता दीदी ने। और आज की शाम ये प्यार भरा गाना लेकर आ रही है जानी मानी कलाकार राखी बहन विमल भाई भक्त। गाने के बोल है, मैं हूं खुश रंग हिना। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग राखी बहन की सुरीली आवाज में। गो अहेड राखी।
Thank you. Wow. What a beautiful song you have chosen tonight, Rakhi. And what a beautiful way to admire the beauty of nature, and especially when it's done by a blind man. Dosto, hum sab jante hain ki Ravindra Jain ji netrahin the. Phir bhi unhone jo कुदरत के नज़ारों को अपनी मन की आंखों से जो महसूस किया है, वो उन्होंने इस गाने के जरिए अपनी धुन में और शब्दों में डाला है इस गाने में। हम सब चमत्कार की बातें करते हैं, लेकिन कुदरत का ये एक अजूबा नहीं तो और क्या है दोस्तों, कि एक इंसान की आंखें न होने के बावजूद भी इतने सारे गाने वो लिख सकते हैं और कंपोज भी कर सकते हैं। और राखी, आपने इस गाने को सही मायने में गाकर गाने की रंगीनियत को 100 गुना कर दी। वेरी नाइस सॉन्ग एंड आल्सो डिलीवर्ड एक्सेलेंटली। थैंक यू राखी। चलिए दोस्तों, कुदरत के इन हसीन नजारों के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत नगमे की ओर। 1992 में एक बड़ी ही शानदार और एक्शन थ्रिलर फिल्म आई थी जिसका नाम था खिलाड़ी, जिसमें की गई अक्षय कुमार और आयशा जुल्का की अदाकारी काबिले तारीफ थी। उसी फिल्म से लिया गया ये गाना आप सुनेंगे तो साथ साथ गुनगुनाए बिना रह नहीं पाओगे। तो चले सुनते हैं अनवर सागर का लिखा हुआ, जतिन ललित के सुगम संगीत से सजाया हुआ और अभिजीत और अलका याग्निक की सुरीली आवाज में गाया हुआ ये गाना लेकर आ रही है यंग डैशिंग एंड वर्सेटाइल सिंगर ह्यूस्टन से भावी बहन तेजस भाई भक्त। गाने के बोल है वादा रहा सनम,
Let's enjoy this beautiful song. Go ahead, Bhavi. Ram Kabir Soni.
कबीर, थैंक यू वेरी मच। वाओ भावी, व्हाट एन एक्सेलेंट चॉइस ऑफ सॉन्ग टुनाइट। आई गेस दिस सॉन्ग अलोन डिफाइन entire 90s era of lovely and romantic songs. Very simple yet heart-touching lyrics and a soulful melody. And what an inspiration from Akshay Kumar's journey of life in this movie. From the waiter to the biggest superstar of Bollywood today. Or आज की शाम भावी, तुमने ये गाना छेड़कर 90s के दौर की सबको याद दिला दी। और जितनी इमोशंस गाने में है उतनी ही इमोशन के साथ तुमने इस गाने को निभाया। थैंक यू फॉर सिंगिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टुनाइट भाऊ। थैंक यू। चलिए दोस्तों, संगीत के इस सुहाने सफर में हम कब हमारे आखिरी नगमे पर आ चुके पता ही नहीं चला। दोस्तों, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, और मंजिल नजर आएगी साथ साथ चलने से, क्योंकि हम सब है प्यार के राही। और अब सब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगले दो कलाकार जो गाने के लिए आ रहे हैं उनको तो इंट्रोडक्शन की वैसे तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन दोनों ने गीतमाला में और काफी अनेक प्रोग्राम में अपनी आवाज का जादू दिखा दिया है। लेकिन अपनी संगीत संध्या में आज वो दोनों पहली बार एक साथ में आकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। एक गाने के साथ साथ क्रिकेट में भी माहिर है, तो उनकी लाइफ पार्टनर जो है वो गाने के साथ साथ एमसी की भूमिका भी बड़ी ही काबिलियत के साथ निभा लेती है। तो चलिए सुनते हैं समीर अंजान की कलम से लिखा हुआ, नदीम श्रवण की दिल में उतर जाने वाली धुन में सजाया हुआ, और अलका याग्निक और कुमार सानुदा की आवाज में गाया हुआ ये खूबसूरत नगमा लेकर आज पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल्प मी वेलकम लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से वेरी यंग टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल सिंगिंग कपल DVS Bhai and Rinku Bhai. Welcome to the show and let's enjoy the melodious song tonight. Yun hi kat jayega safar saath chalne se. Let's rock it tonight, guys. Ram Kabir Sawne. Ram Kabir Sawne. Thank you, Bhaskar. You're welcome. सफर साथ चलने से के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। La 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 la
नजर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे, हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, की मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 la 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 साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 राम कबीर। राम कबीर, थैंक यू। वाह क्या बात है दिव्येश बाबू, पहली बार शो में डुएट लेके आए हो और सीधा सिक्सर लगा के निकल जाते हो, क्या बात है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू एंड टुनाइट शो विथ सच अ अपलिफ्टिंग मैसेज। यूं ही कट जाएगा सफर साथ साथ चलने से, कि मंजिल नजर आएगी साथ चलने से। Guys, united we rise and divided we fall. What a great message to the whole mankind. Zindagi ke safar mein dhoop chhaav utar chadhav to aate rahenge dosto, lekin yun hi kat jayega safar saath chalne se. Aur aap dono ne zindagi ki dhoop aur chhaav mein saath saath chalne ka jo jeevan mantra hum sabko diya hai, to आप दोनों के लिए दो लाइनें तो बनती है ना। ये लाइनें आप दोनों एक दूजे के लिए बोल रहे हैं। पाकर तुम्हें दुनिया की हमें हर खुशी मिल गई, पाकर तुम्हें दुनिया की हमें हर खुशी मिल गई, हमारे होठों को खिल खिलाती हंसी मिल गई, तुम्हारे बाद अब कुछ भी तो बाकी नहीं रहा, तुमसे मिलकर लगा जैसे हमें जिंदगी मिल गई। दोस्तों आप दोनों के चेहरे पर ऐसे ही हमेशा मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे, यही दुआ हम करते हैं हर रोज आप दोनों के लिए। आज की संगीत संध्या के आखिरी गाने में ये जीवन संदेश देकर हम सभी को आप दोनों ने जीने की राह दिखा दी। Very nice singing and very meaningful song tonight. Thanks to both of you. Thank you very much for coming to the show. Kya baat, Bhaskar kaka. Thank you so much.
Oh, you most welcome. दोस्तों ये था हमारी 47वीं संगीत संध्या का आखिरी नगमा। आशा है आज की शाम के हमारे साथ गुजारे कुछ लम्हे आपकी शाम की मीठी यादें बन जाए। लगातार 46 प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर हमारे सभी कलाकारों के हौसले आप बढ़ाते आए हैं, उसके लिए हमारी पूरी संगीत संध्या की टीम की ओर से और SRBS के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का दिलो जान से हम शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। 2 हफ्ते के बाद कुछ नए गाने के साथ फिर से हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सलामत रहिए और जिंदगी को गले लगाते रहिए। दोस्तों शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। राम कबीर।